अखिल भारतीय पाल महासभा की राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक में उत्तर प्रदेश में प्रदेश अध्यक्ष राजेश कुमारी पाल को मनोनीत होने पर आज दिनांक 18/2/2022 को पाल समाज द्वारा राजेश कुमारी पाल को उनके आवास पर जाकर शुभकामनाएं एवं उनका स्वागत किया गया। इस अवसर पर अखिल भारतीय पाल महासभा मुरादाबाद मंडल अध्यक्ष सूरज सिंह पाल समेत सभी पाल समाज के लोगों ने राजेश कुमारी पाल का स्वागत किया। राजेश कुमारी पाल ने कहा कि बहुत ही जल्दी पूरे उत्तर प्रदेश में पाल महासभा के जिला अध्यक्ष, महानगर अध्यक्ष और मंडल अध्यक्ष की कार्यकारिणी का गठन किया जाएगा। इस अवसर पर सूरज सिंह पाल ने प्रदेश अध्यक्ष राजेश कुमारी पाल को आश्वासन दिया कि उनके रहते पाल समाज को एकत्रित किया और अलग अलग नहीं होने दिया। पाल समाज को एकजुट होकर रहना होगा, साथ ही पाल समाज की राजनीतिक, सामाजिक एवं आर्थिक उत्थान पर विचार विमर्श किया गया। मुरादाबाद मंडल से आए समाज के लोगों ने अपने समाज की बेहतरी को लेकर वार्ता की तथा अखिल भारतीय पाल महासभा का पूरा संगठन समाज के शैक्षिक स्थिति बेहतरी के लिए कदम उठाएगा, क्योंकि शिक्षा के जरिए ही पाल समाज का विकास हो सकता है। 2 दशक पूर्व की अपेक्षा पाल समाज शिक्षा के दम पर आगे बढ़ रहा है, इसको और आगे बढ़ाना है। अब पाल समाज का कोई भी बच्चा शिक्षा से वंचित नहीं रहेगा। वहीं पाल समाज के लोगों की राजनीतिक क्षेत्र में भागीदारी सुनिश्चित करने के लिए भी जागरूक किया जाएगा। इस अवसर पर गजराम सिंह पाल, प्रेम शंकर पाल, गोविंद पाल, नितिन पाल, दीनानाथ पाल, हरीश पाल, जय प्रकाश पाल, राजू सिंह, राजू कुमार पाल, खानचंद सिंह पाल, सोनू सिंह पाल, उदयराज पाल समेत पाल समाज के गणमान्य नागरिक मौजूद रहे। मैम, आपको जो है अखिल भारतीय पाल समाज में जो है प्रदेश अध्यक्ष का पद की जिम्मेदारी दी है, क्या आगे आपकी किस तरीके से आगे संगठन को आगे बढ़ाएंगी और किस तरीके से संगठन की रूपरेखा तैयार की है आपने? मेरे संगठन में जिला अध्यक्ष बनता है, उनकी टीम होती है, फिर वो तहसील अध्यक्ष होते हैं, ब्लॉक अध्यक्ष होते हैं। लेकिन आज एक नया, मेरे भाई ने, मेरे बेटे ने एक नया सजेशन दिया है कि मैं न्याय पंचायत तक पहुँचूँ, और वो मुझे बिल्कुल एकदम सही लगा। न्याय पंचायत तक मेरी अखिल भारतीय पाल महासभा पहुँचेगी, और उससे क्या होगा कि मेरे परिवार में, मेरे समाज में जो कुरीतियाँ हैं वो भी खत्म होंगी, और जो आपस के मन बुराई है वो भी दूर होगी, और मेरे समाज को राजनीतिक स्तर पे भी जगह मिलेगी। अच्छा मैम, सबसे बड़ी बात यह है कि अब आपको जिम्मेदारी दी गई, अब जिले स्तर पर किस तरीके से अब तक मतलब दायित्व लोगों को सौंप दिया जाएगा और किस तरीके की तैयारी? जो वरिष्ठ लोग हैं, सबसे पहले तो जो महासभा से जुड़े हुए हैं, वरिष्ठ लोग हैं, डिजर्व करते हैं, उनके मन में समाज की सेवा करने का भाव है, जो समाज में काम करना चाहते हैं, उन सबको एकजुट करना है, उन सबको जगाना है। एक बार फिर पाल समाज में संगठित पाल समाज होगा। पाल समाज के लोगों से क्या अपील करना चाहेंगी आप? मैं ये करना चाहूँगी, बढ़ चढ़ के संगठन बनाइए, बढ़ चढ़ के भागीदारी कीजिए। अपने समाज के किसी भी व्यक्ति का अगर कहीं शोषण हो रहा है, उसे दबाया जा रहा है, उसका साथ दीजिए, आवाज़ उठाइए, और मुझ तक आप एक फ़ोन कर दीजिए, मैं वहाँ पहुँचूँगी जरूर, और तब तक लड़ूंगी जब तक उसे न्याय नहीं मिलेगा।